सो गाइस, आज के इस वीडियो में आपको कृष्ण जन्माष्टमी वाली फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ, जैसा कि आप मेरे मोबाइल स्क्रीन पे देख सकते हो। एंड बिफोर एंड आफ्टर में देखने में ये फोटो कितना खूबसूरत लग रहा है। एंड आप लोगों के मन में एक डाउट होगा कि यार ये फोटो तो पीसी से किया है, लेकिन यार ऐसा नहीं है, इस फोटो को मैंने अपने फ़ोन से किया है। एंड आप लोगों को भी मैं बताने वाला हूँ अपने फ़ोन से आप कैसे इस तरह का फोटो क्रिएट कर सकते हो। तो यार वीडियो में लास्ट तक बने रहना, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। और चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन ऑल कर देना। चलो यार आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर। सो गाइस, आपको आ जाना है अपने मोबाइल स्क्रीन पर एंड आपको अपने फ़ोन में पिक्सआर्ट ओपन कर लेना है। तो मैं सिंपली अपने फ़ोन में पिक्सआर्ट ओपन कर लिया हूँ। एंड पिक्सआर्ट ओपन करने के बाद से आपको यहाँ पे प्लस के आइकन पे सिंपली क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद से यहाँ पे एडिट ए फोटो पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको अपना फ़ोटो चूज कर लेना है। मैं इस फोटो को ले लेता हूँ एंड इसका हम करने वाले हैं कलर चेंज अपने बॉडी का। तो देख सकते हो हमारा फोटो ये है। एंड यहाँ पर आपको टूल्स के बगल में एक इफेक्ट का ऑप्शन मिला है, इफेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। एंड इतना करने के बाद से आपको यहाँ पे कलर वाले पे क्लिक करना है। एंड आपको ऑटोमेटिक इस वाले पे क्लिक करना है, ब्लू वाले पे। एंड इतना करने के बाद से इस पर फिर से एक बार क्लिक करना है। एंड हॉबी पे क्लिक करना है। एंड जो आपको ब्लू रखना है वो कलर यहाँ से रख लेना है। सिंपली हम इतना रखेंगे। एंड इसके बाद से आपको यहाँ पे ऊपर इरेज के ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड इतना करने के बाद से आपको नीचे भी इरेज के ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड इसका ऑडिट साइज वगैरह कुछ बढ़ा के इसको मिटा देना है। एंड इतना करने के बाद से फिर से आपको ब्रश पे क्लिक करना है। एंड इसका आप साइज अपने हिसाब से कर देना है। एंड इतना करने के बाद से अब आपको अपने फ़ोटो पे जूम करना है, कुछ इस टाइप से आपको इस पर लगाना है। तो आप सिंपल स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आप कर लेना। मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर लेता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, मैं करूँगा धीरे। इतना करने के बाद से आपको फिर से इरेज पे क्लिक करना है। एंड इरेज पे क्लिक करने के बाद से आपको यहाँ पे आइस पे जो है यहाँ पे आपको हटा देना है इस टाइप से। तो आइस तो हमारी ग्लो रहने नहीं चाहिए, इसलिए इसको ध्यान रखना है आपको। एंड आप इतना करने के बाद से आपको यहाँ से सही के निशान पे क्लिक कर देना है। एंड इतना करने के बाद से अब आपको अपना बैकग्राउंड रिमूव करने वाले हैं। तो सिंपली यहाँ से हम बैक आ जाएंगे। एंड बैक आने के बाद से यहाँ से आपको क्रोम पे चले आना है। क्रोम पे आने के बाद से यहाँ पे आपको टाइप करना है रिमूव पीजी, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सिंपली रिमूव। एंड इतना करने के बाद से आपको यहाँ पे अपलोड इमेज पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करना है। एंड यहाँ से अपने फोटो को हम ले लेंगे। तो सिंपली इस फोटो पर क्लिक कर देना है एंड ये ऑटोमेटिक रिमूव कर देगा हमारा बैकग्राउंड। बहुत ही सिंपल एंड ये बहुत ही अच्छा वेबसाइट है जहाँ से आप एक क्लिक में अपना बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो चुका है कुछ ही सेकेंडों में। एंड इतना करने वैसे यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन दे रहा है, तो यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। तो सिंपली पिक्सआर्ट में आ चुके हैं एंड फिर से प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, एडिट ए फोटो पे क्लिक करेंगे। एंड अब आपको यहाँ से बैकग्राउंड ले लेना है। एंड बैक जो भी मैं बैकग्राउंड पीएनजी यूज करूँगा सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर सिंपली आप डाउनलोड कर लेना। तो चलो यहाँ से इस बैकग्राउंड को ले लेना है। एंड बैकग्राउंड को लेने के बाद से यहाँ पे आपको टूल्स पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे क्रॉप पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे प्रोटेक्ट पे क्लिक करना है। एंड इतना करने के बाद से इसको इधर कर देना है। एंड इतना करने के बाद से सही के निशान पे आपको टिक कर देना है। एंड इतना करने के बाद से अब आपको आ जाना है ऐड फोटो पे। एंड अब यहाँ से आपको अपना फ़ोटो ले लेना है।
तो जो हमने बैकग्राउंड रिमूव की थी उस फोटो को यहाँ पे ले लेंगे। एंड इतना करने के बाद से देख सकते हो यहाँ से ऐड कर लेंगे। एंड ऐड करने के बाद से इसको बड़ा करेंगे एंड यहाँ से इतना बड़ा आपको अपने हिसाब से अपने फोटो के हिसाब से बड़ा कर लेना है, देख सकते हो। एंड बड़ा करने के बाद से आपको सिंपली थोड़ा सा कर लेंगे एंड इतना करने के बाद से आपको फिर से सही के निशान पे टिक कर देना है। एंड अब आपको क्या करना है, फिर से आपको ऐड फोटो पे क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद से अब आपको अपने आंख पे ये बिंदी टाइप की क्लिक लगानी है। यहाँ पे फिर से इसको अब ले लेना है एंड इसको ऐड कर लेंगे। एंड ऐड करने के बाद से आपको यहाँ पे स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पे ऐड टेक्स्ट ब्लेंड पे क्लिक करना है एंड स्किन कर लेंगे। स्किन करने के बाद से अब आपको सिंपली को इतना बड़ा कर लेंगे एंड आपको अपने फ़ोटो को जूम करना है, इसको क्लिक करेंगे एंड इसको फिर से ऐसे कर लेंगे। एंड इरेज पे क्लिक करने के बाद से आपको यहाँ पे लिंक मिटा देना है एंड इतना करने के बाद से सिंपली देख सकते हो। एंड फिर से आपको इसको क्लिक करना है एंड यहाँ से क्लिक कर एंड डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट करने के बाद से आपको सिंपली अपने फ़ोटो को जंप करना है। फिर से इसको क्या करना है, यहाँ पे लाके सिंपली यहाँ पे लगा लेंगे एंड इतना करने के बाद से फिर से आपको सही के निशान पे टिक कर देना है। एंड इतना करने के बाद से आपको सिंपली फिर से ऐड फोटो पे क्लिक करना है। एंड अब हम आपको तिलक लेने वाले हैं जो टीका कहा जाता है, तो यहाँ पे फिर से ऐड फोटो पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से आपको यहाँ से सिंपली यहाँ से टीका ले लेंगे, तो ये वाली है टीका। सिंपली इसको क्लिक करेंगे एंड यहाँ से ऐड कर लेंगे। एंड ऐड करने के बाद से आपको सिंपली इसको छोटा कर लेना है एंड फिर से आपको अपने फ़ोटो को जूम करना है एंड यहाँ से को लेते जाना है। फिर से अपने फ़ोटो को थोड़ा जूम करेंगे। आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना, थोड़ा भी वीडियो को स्किप मत करना। तो इतना करने के बाद से आपको फिर से को सही के निशान पर टिक कर देना है एंड फिर से अब आपको ऐड फोटो पे क्लिक करना है एंड यहाँ से आप पट्टी ले लेनी है जो हमारी हेड पे लगेगी। तो सिंपली यहाँ से हम ले लेते हैं रेड कलर का जो पट्टी था, यहाँ से सिंपली ऊपर करेंगे एंड इस वाले कपड़े टाइप की है इसको ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद से आपको सिंपली इसको यहाँ पे लेकर जाना है एंड इतना करने के बाद से आपको इसको छोटा करना है एंड इतना करने के बाद से आपको अपने फ़ोटो को जूम करना है एंड इसको लगा देना है। तो कुछ इस टाइप से लगाना है एंड इतना करने के बाद से फिर से आपको सही के निशान पर टिक कर देना है एंड फिर से ऐड फोटो पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से आपको मोर का पंख ले लेना है एंड एक और है दोनों आपको ले लेना है। तो सिंपली इस वाले को ले लेना है, PNG है, गोल्डन कलर की, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। इसको भी हमें सिर पे लगाना है तो सिंपली यहाँ पे को एंड अपने फ़ोटो को बड़ा करेंगे इसको यहाँ पे। सिंपल स्टेप है, आपको धीरे धीरे करना है एंड इतना करने के बाद से आपको सिंपली सही के निशान पर टिक कर देना है एंड इतना करने के बाद से फिर से अब आपको ऐड फोटो पे क्लिक करना है। एंड अब आपको क्या करना है, अब आपको राधा को ले लेना है एंड यहाँ पे इस वाले PNG को ले लेना है राधा को एंड ऐड कर लेंगे। एंड अब आपको क्या करना है, ये जो कृष्णा जी है इनको यहाँ से रिमूव करना है। तो सिंपली यहाँ पे ऊपर इरेज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे
एंड यहाँ पे इरेज के नीचे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड साइज अपने हिसाब से कर लेना एंड इसको यहाँ से मिटका देंगे। तो बस राधा को रखना है, आपको ये ध्यान रखना है। तो देख सकते हो ये मिटक चुका है एंड इतना करने के बाद से अब आपको सेकंड हिसाब से टिक कर एंड अब आपको अपने हिसाब से बैठा लेना है और आगे कर लेना है एंड फिर से इस पर क्लिक करें, फिर से इस पर क्लिक करके लगा लेंगे। तो वीडियो थोड़ा बड़ा होगा तो वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखना, स्किप मत करना एंड वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर भी देना एंड चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जल्दी सब्सक्राइब कर दो क्योंकि ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पे आते रहते हैं। बस इतना करने के बाद से आपको यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे छूटा है तो आपको इसको भी सही कर लेना है, आपको ये सब ध्यान देना है एंड इतना करने के बाद से आपको सही के निशान पे टिक कर देना है। एंड अब क्या करना है, नीचे हमारी जो पार्ट है सूज की दिख रही है तो आपको फिर से ऐड फोटो पे क्लिक एंड यहाँ से अब आपको ग्रीन घास ले लेनी है। मैं सारा PNG आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से आप जाके पहले डाउनलोड कर लेना एंड अब यहाँ से आपको इस ग्रीन वाले घास को ले लेना है एंड इतना करने के बाद से इसको ऐड कर लेंगे एंड ऐड करने के बाद से इसको यहाँ पे पकड़ के इसको बड़ा कर लेंगे, अपने फ़ोटो को थोड़ा सा छोटा कराएंगे एंड इतना करने के बाद से अपने हिसाब से इतना रख लेंगे एंड इतना करने के बाद से सही के निशान पे टिक कर देना है। एंड फिर से आपको ऐड फोटो पे क्लिक करना है एंड फिर से एक ग्रीन PNG है उसको ऐड यहाँ से कर लेंगे, इस वाले PNG को अब ऐड करेंगे, सिंपली ऐड कर लेना है एंड इसको थोड़ा अच्छा लगता है देखने में तो सिंपली ऐसे कर लेना। देख सकते हो लग रहा है कि यार मेरे पास ही राधा जी एंड कृष्णा है तो यार बहुत ही अच्छा मुझे लग रहा है ये फोटो। एंड फिर से अब आपको ऐड फोटो पे क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद से आप यहाँ से आपको बांसुरी वाली PNG ले लेनी है तो यहाँ पे देख सकते हो इस PNG को लेने के बाद से यहाँ से ऐड कर लेंगे एंड ऐड करने के बाद से यहाँ पर इसको रोटेट कर लेना है इस टाइप से, अगर आप ऊपर रखना चाहते हो तो ऊपर रख सकते हो तो मैं ऊपर रखना चाहूँगा, सिंपली यहाँ से छोटा कर लेना है। एंड यहाँ से एंड इतना करने के बाद से आपको इरेज पे क्लिक करना है एंड यहाँ से इरेज कर लेना है। तो सिंपली करने के बाद से सही के निशान पे फिर से टिक कर देना है एंड इतना करने के बाद से फिर से अब आपको ऐड फोटो पे क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद से अब आपको इस वाले PNG को ले लेना है, रेड कलर की इस PNG को एंड इस PNG को लेने के बाद से इसको भी ऐड कर लेंगे एंड ऐड करने के बाद से इतना करने के बाद से बड़ा कर लेना एंड यहाँ से फ्लिप रोटेट पे क्लिक एंड यहाँ से इसको ऊपर कर देंगे, देख सकते हो कुछ इस टाइप से, चाहो तो आप छोटा कर सकते हो, थोड़ा सा छोटा कर लेंगे एंड इतना करने के बाद से फिर से अब आपको ऐड फोटो पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद से यहाँ से आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी वाली PNG ले लेनी, यहाँ से ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद से आपको सिंपली जहाँ आपका मर्जी वहाँ पे लगा सकते हो, मैं यहाँ पे ऊपर लगा दूँगा एंड इतना करने के बाद सिर्फ सिंपली आपको सही के निशान पे टिक कर देना है एंड देख सकते हो हमारी फ़ोटो एडिट हो चुकी है एंड कितना खूबसूरत एंड बहुत ही अमेजिंग लग रही है यार हमारी फ़ोटो। यहाँ पे जूम कर सकते हो, देख सकते हो हमारी फ़ोटो थोड़ी फट नहीं रही
एंड बहुत ही अच्छा लगा मुझे भी ये फोटो। तो यार वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना है, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन ऑल कर देना, एंड कमेंट में बताना कैसा लगा ये फोटो एडिटिंग। चलो यार आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।